देवास मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और इंदौर से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवास शहर की बात करें तो ये औद्योगिक क्षेत्र की वजह से बहुत अधिक प्रचलित है, जिसके कारण यहाँ भारत के कोने कोने से आकर लोग बसे हुए हैं। देवास में प्रमुख कारखाने जैसे टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, सन फार्मा, बैंक नोट प्रेस, जो कि देश का सबसे पुराना नोट छापने के कारखानों में से एक है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, जहाँ वर्तमान में 100 रुपए से 2000 तक के नोट छापे जा रहे हैं। देवास अपने कई प्रमुख स्थानों, तीर्थ स्थलों और प्राकृतिक स्थानों के लिए जाना जाता है। देवास शहर के टूरिस्ट प्लेसेस की बात करने से पहले आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें। नंबर एक, देवास टेकरी। देवास टेकरी माता का दरबार है, जो कि एक पहाड़ी पर बसा है। इस टेकरी पर माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा भवानी विराजमान है। कहा जाता है कि दोनों माता शक्ति के 52 शक्ति पीठों से एक है। देवास के नाम के पीछे ये कथन प्रचलित है, जहाँ है दो देवियों का वास, वो है देवास। माता टेकरी पर जाने के लिए तीन मार्ग है। पहला मार्ग रपट मार्ग, जिसकी खड़ी चढ़ाई है और करीब 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद आप माता तुलजा भवानी के मंदिर पर पहुंच जाते हैं। दूसरा मार्ग सीढ़ियों का है, जो पहले मार्ग से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। ये रास्ता भी लगभग 1 किलोमीटर का है। तीसरा रास्ता रोपवे का है, जिसके लिए आपको चार्ज देने होते हैं। नवरात्रि देवास का सबसे लोकप्रिय त्योहार है, जिसके चलते यहाँ प्रदेश और देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इस दौरान देवास शहर का नजारा कुछ और ही होता है, खासकर सप्तमी और अष्टमी के दिन बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ दर्शन को आते हैं। नंबर दो, खियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस सेंचुरी की स्थापना 1955 में की गई थी। 123 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली ये सेंचुरी शुष्क वनों से घिरी हुई है, खासकर टीक और बांस के पेड़ यहाँ। इनके अलावा चीतल, सांबर, नीलगाय, तेंदुआ आदि जंगली जानवरों को यहाँ देखा जा सकता है। पक्षियों की यहाँ करीब 155 प्रजाति देखी जा सकती है। दिसंबर से जून का समय यहाँ आने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। नंबर तीन, पंचवटी मीठा तालाब। मीठा तालाब देवास का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी झील है। इस झील में कमल के फूल देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर एक गार्डन बना हुआ है, जिसके लिए प्रवेश शुल्क लिया जाता है। यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं। मीठा तालाब के किनारे बहुत सारे मंदिर और प्राचीन स्थल भी है। मीठा तालाब के किनारे प्राचीन छतरिया देखने के लिए मिलती है, जो बहुत सुंदर है। इसके अलावा यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर भी बना हुआ है। नंबर चार, शंकरगढ़ की पहाड़ी। शंकरगढ़ की पहाड़ी जो कि एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। इस स्थान पर समय समय पर एक्टिविटी कैंप लगते रहते हैं। शंकरगढ़ पहाड़ी पर 65 एकड़ मैदानी क्षेत्र है। ये स्थान देवास निगम द्वारा अभी डेवलप किया जा रहा है। ये जगह बारिश में बहुत ही खूबसूरत लगती है। नंबर पाँच, पुष्पगिरी सोनकच्छ। पुष्पगिरी जो देवास शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है और देवास भोपाल मार्ग पर देवास जिले के तहसील सोनकच्छ के पास स्थित है। यह तीर्थ स्थल जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां देश के कोने कोने से जैन समाज के लोग दर्शन करने को आते हैं। पुष्पगिरी एक पिकनिक स्पॉट भी है, जहां आप अपने पूरे परिवार के साथ पूरा दिन बिता सकते हैं। नंबर छह, महाकाल मंदिर बिलवाली। बिलवाली जो भगवान शिव का स्थान है, बिलावली से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। सावन मास में और महाशिवरात्रि के समय यहाँ काफी दर्शनार्थी और भक्त भगवान शिव के दर्शन को आते हैं। बिलावली एक पिकनिक स्पॉट के रूप में काफी प्रचलित है। आज के दौर में ये स्थान काफी ज्यादा उन्नत है। नंबर सात, कांवड़िया हिल्स और धाराघाट। जिले की बागड़ी तहसील से लगभग 10 किलोमीटर धाराजी नामक स्थान के पास ये पहाड़ियाँ स्थित है। यहाँ सात पहाड़ियाँ हैं, जिनमें लाखों संख्या में खम्बे नुमा पत्थर की रचनाएं बनी हुई है। ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित हुए इन पथरीले स्तंभों से धातुओं के समान ध्वनि निकलती है। यहीं पास में धाराजी घाट है, जहाँ नर्मदा नदी का भिन्न दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ जाने के लिए थोड़ी ट्रेकिंग करनी पड़ती है। नंबर आठ, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर नेमावर। नेमावर सिद्धनाथ महादेव मंदिर प्राचीन काल से ही शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। देवास व इंदौर से नेमावर पहुंचने के लिए लगभग 130 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यहाँ के शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषियों ने की थी। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का वर्णन मिलता है। मंदिर का मौजूद स्वरूप 11वीं सदी में परमार राजाओं द्वारा प्रदान किया गया है, जबकि मंदिर के सभागृह एवं महामंडप का निर्माण 1220 से 1260 के दौरान बंजारा राजा द्वारा किया गया था। नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस मंदिर को सिद्धनाथ महादेव या सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंबर नौ, केला देवी मंदिर। केला देवी का मंदिर बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। यहाँ पर आकर माता के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर दुर्गा जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है,
जो बहुत ही भव्य लगती है। इसके अलावा यहाँ पर 51 फीट के हनुमान जी बनाए गए हैं, जिनके दर्शन करके बहुत शांति मिलती है। यहाँ पर मनसापुर हनुमान मंदिर भी है। देवास आज देश के हर प्रमुख शहर से जुड़ा हुआ है, खासकर रेल मार्ग के द्वारा और सड़क मार्ग से। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में है। देवास में आपको सभी रेंज के होटल मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको देवास के कौन कौन से स्थान पसंद है और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।